तो सेलवॉल नॉन लिविंग मेम्ब्रेन है प्लांट सेल फंगल सेल में और बैक्टीरिया में भी पाई जाती है लेकिन एनिमल सेल में ये होती है फॉर्म्स ऑर्डर कवरिंग फॉर द प्लाज्मा प्लाज्मा के लिए ऑर्डर कवरिंग बनाती है इन फंजाई एंड प्लांट सेलवाल इज नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर आल्सो प्रेजेंट इन मेनी प्रोटीस एंड प्रोकैरियोट एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा केमिकल कंपोजिशन अगर हम लोग देखें तो अलग अलग सेलवॉल का केमिकल कंपोजिशन अलग अलग सेल में जैसे सेल वॉल में सेलुलोज मिलेगा गलेक्टन मिलेगा मैनन्स मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट सेल वॉल में सेलुलोज हेमी सेलोलोज है कैल्शियम पैक्टेट के फॉर्म में या मैग्नीशियम पैक्टेट प्रेजेंट होगा इसके अलावा प्रोटीन्स फंगल वॉल की बात करें तो उसमें काइटिन होता है जिसको हम लोग फंगल सेलोलोज इसके अलावा ग्लूकॉन्स और ग्लाइकोप्रोटीन होगा बैक्टीरियल सलवॉल की बात करें तो यहाँ पर पिप्टीडो ग्लैकिन पाया जाता है साइनो बैक्टीरियल सेलवाल की बात करें तो यहाँ पिप्टीडो ग्लैकिन के अलावा प्रोटीन लिपिड और कैरोटीनॉइड्स भी आपको मिलेगा डाटम की सलवाल की बात करें तो उसमें सिलिका होता है जिसकी वजह से ही उसमें हम लोग डायटेमिशियस अर्थ का फॉर्मेशन करता है टेनोफ्लेजलेट की सलवॉल की बात करें तो यहाँ स्टिप सेलुलोज प्लेट होगी इसके अलावा स्लाइम माउल्ड में बात करें तो यहाँ पर जो उसका स्पोर होता है उसमें सेलुलोज की सलवॉल होती है ओके फंक्शन ऑफ सेल वॉल की बात कर लेते हैं तो शेप प्रोवाइड करता है प्रोटेक्ट करता है सेल फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से इसके अलावा सेल टू सेल इंटरेक्शन मदद करता है प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल को एंटर करने से रोकता है इसके अलावा सेल टू सेल कनेक्शन भी बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मो